टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लवली ने राम कुमार गौतम की बगावत को उनका निजी मामला बताया है। देवेंद्र बबली जेजेपी के सदस्यता अभियान के सिलसिले में शुक्रवार को कैथल आए हुए थे। राम कुमार गौतम, आज हम जेजेपी पार्टी के विधायक हैं और एक पार्टी संगठन की एक मान मर्यादा होती है, उस मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम हस्तनापुर से बंधे हुए हैं। आज पार्टी का टिकट लेके हम विधायक बने हैं। अब वो दुष्यंत जी हमारे नेता हैं, हमने खुद नहीं नेता चुना है, विधायकों ने तो उनको नेता चुन के पार्टी का हमारा विधायकों का प्रति नेता बनाया है उनको। तो अब वो फैसले लेंगे तो उनके फैसलों को भी मानना भी पड़ेगा। आज वो क्राइटेरिया होता है, कोई दायरे होते हैं, वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो विस्तार तो करेंगे, उन्होंने खुद ने बोला है। समय आने पे भी हो जाएगा। अब गौतम जी हमारे लिए आदमी है लेकिन वो उनके पर्सनल है, लेकिन वो उनके पर्सनल उन्होंने जो है वो, मैं भी अभी रास्ते में एक दो मीडिया चैनल से फोन आए थे। देवेंद्र बबली ने जेजेपी के विधायकों में किसी तरह का असंतोष होने से मना किया। देवेंद्र बबली ने कहा कि वे पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे हैं। हम तो मीटिंगों में, आपने देखा अभी मीटिंग में पहुंचे यहाँ पे, हम तो हमारे पार्टी के जो मेंबरशिप अभियान है उसमें हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम तो उस कार्यक्रम के अंदर बिजी हैं। वो जवाब तो गौतम साहब दे सकते हैं, किसी से कोई नाराज नहीं होता। बबली अपना कर्म पर विश्वास करता है। टोहाना हल्के की जनता ने एक नंबर की जीत दे के, 1 लाख से ज्यादा मत दे के मुझे भेजा, मेरी ड्यूटी बनती है लोगों की सेवा करूँ, हल्के के अंदर जो विकास कार्य हैं उनको पूरा कराया जाए, हल्के के लोगों की अनदेखी ना हो और जनता को मान सम्मान देने का काम करें। और आज पार्टी के साथ जुड़ के चले हैं, हमारी साझा सरकार है, हमारा सपोर्ट है सरकार को। भाजपा से गठबंधन को भी देवेंद्र बबली ने जायज ठहराया। देवेंद्र बबली ने कहा कि जेजेपी समर्थन नहीं देती तो भी बीजेपी की ही सरकार बननी थी। सरकार में हिस्सेदार बनकर जेजेपी राज्य के मतदाताओं के लिए अपना योगदान डाल पाएगी। नैतिकता वाली इसमें आज एक फेस वैल्यू थी। आज जो साथ जुड़ा होता है वो हल्के की तरक्की देखना चाहता है। ये पार्टी का फैसला था, इंडिविजुअल देवेंद्र सिंह बबली का फैसला था नहीं, और उसमें हमारी राय ली गई थी। आज अगर सरकार में हिस्सेदार है, हम विपक्ष में बैठ सकते थे, सरकार तो बीजेपी फिर भी बना लेती, हम विपक्ष में बैठे होते चाहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज हम सरकार में हिस्सेदार हैं तो लोगों का भला करेंगे, उससे सरकार की जो जनता की जरूरतें हैं वो सरकार के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो इसमें नैतिकता अगर ये हमने अगर वोट लिया, आज हम विधायक हैं, विधायक हम जेजेपी के हैं, हमको बीजेपी विधायक थोड़ी हो गए, हम विधायक जेजेपी के हैं और एक एज ए विधायक जो हमारी ड्यूटी बनती है जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के संबंध में देवेंद्र लवली ने बताया कि तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। बच्चों को इंटरव्यू के लिए दूर न भेजने का फैसला पहली बैठक में ही ले लिया गया था। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने और हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरियां देने के पर भी विचार किया जा रहा है। नहीं, जेजेपी पार्टी के विधायक है, जेजेपी पार्टी में वोट दिया है उन्होंने, तभी हम विधायक बने हैं। और मिनिमम प्रोग्राम में आप पहले देख लिए, पहले जो विधानसभा सेशन था तो हमने कानून पारित करने का काम किया, जो 350 किलोमीटर तक पहले जो बच्चे बसों में धक्के खा के इंटरव्यू देने जाते थे उसको हमने 50 किलोमीटर दायरे में लाने का काम किया। जो हमारी बुढ़ापा पेंशन थी, बीजेपी का मैनिफेस्टो था, हमारा जेजेपी का था, उसमें देखिए उस पर कहीं ना कहीं करके उसको बीच में मिनिमम प्रोग्राम के तहत उस पर चर्चा चली हुई है। 75% नौकरियों की बात थी कि हमारे हरियाणवी को मिले, उस पर भी वो भी संज्ञान में, मतलब मामला चर्चा में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।